दोस्तों, आप सबने अपने बचपन में धीमी रोशनी फैलाने वाले जुगनू को तो देखा होगा और इन्हें पकड़ने और इनके साथ खेलने की कोशिश भी की होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अब जुगनू कहाँ गायब हो गए? क्या इनका वजूद अब भी जमीन पर बाकी है? अगर नहीं तो हम बताते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों, धीमी रोशनी से हमारे बचपन को खुशगवार बनाने वाले जुगनू दरअसल हम इंसानों की गफलत और रोज बरोज बढ़ती तामीरात की नजर हो गए हैं। जुगनुओं के गायब होने का सबब बढ़ती आलूदगी, बढ़ती आबादी, तामीरात, मस्नूई रोशनी और सब्जे का खात्मा है। रात की तारीकी में धीमी धीमी रोशनी फैलाने वाले ये खूबसूरत हशरात हम इंसानों की अंधाधुंध कुदरती अवामिल में छेड़छाड़ की वजह से खत्म हो रहे हैं। अशरफुल मखलूकात की बढ़ती तरक्की और तामीरात ने इस छोटी सी मखलूक का मस्कन तबाह कर दिया है। मस्नूई रोशनियों के सबब रोशनी फैलाने वाले ये कीड़े शदीद मुतासिर हो रहे हैं। नापैदगी के खतरात में मलाइशिया और बरतानिया के जुगनू भी शामिल हैं। कीड़े मार अद्वियात, इंसानी आबादी, इंसान की पैदा करदा रोशनी भी इन्हें मुतासिर कर रही है। बहुत वक्त गुजर चुका कि अब हम इन्हें अपने मुल्क में नहीं देख पाते और शायद हमारी आने वाली नस्लें इस छोटे से खूबसूरत कीड़े से नावाकिफ भी हों। जुगनुओं के नापैद होने की बड़ी वजह कहीं ना कहीं हम इंसानों की गफलत और इनके मस्कन में बेजा मदाखलत ही है। जुगनू ज्यादातर सबसे वाली जगहों, दरख्तों और बागात में पाए जाते हैं, लेकिन राह भटक कर कभी कभी घरों को रोशन करने भी चले आते हैं। जुगनू मलाइशिया, ताइवान और जापान में कसरत से पाए जाते हैं, लेकिन रात के वक्त इन्हें देखने वाले स्याह इन बेजुबान कीड़ों को बहुत परेशान करते हैं। अगर हमने इनकी हिफाजत ना की तो बहुत जल्द पूरी दुनिया से इनका खात्मा हो जाएगा।